जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो टॉपिक आज का जो है वो भारत के राज्य, ठीक भारत के जितने राज्य हैं उनकी बात करेंगे और भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी भी बात करेंगे और साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, कल के वीडियो में आप लोगों ने भारत के पड़ोसी देशों की राजधानियों और उन देशों में कौन सी मुद्राएँ चलती हैं उनके बारे में समझ लिया था। तो आज के वीडियो में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले राज्य से। तो पहले उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं। तो आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी? क्या है? लखनऊ। याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गई। त्रिपुरा की अगरतला हो गई। गुजरात की गांधीनगर है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। कर्नाटक की बैंगलोर है। राजधानियां और राज्य तो आप सबको याद होंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिए हमारे साथ। ठीक, और महाराष्ट्र की मुंबई, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, मिज़ोरम की आइजोल। ऐसे ही आगे चलते हैं, मिज़ोरम तक हो गया है आपका। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। ठीक, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गई। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला हो गई। पश्चिम बंगाल की कोलकाता हो गई। और झारखंड की राजधानी आप सबको पता है, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। केरल की तिरुवनंतपुरम। गोवा की पणजी। हरियाणा की चंडीगढ़। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर जो सेवन सिस्टर्स स्टेट हैं, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है इनकी राजधानियों को याद करने में, इनकी कैपिटल्स को याद करने में। तो आप कई बार अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे ना, तो फिर ये आराम से आपको याद हो जाएगा। और मैप को ऑब्ज़र्व करके जब आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका, आप ऐसे याद कर लीजिए कि मैं मिज़ोरम घूमने गया, तो मिज़ोरम घूमने गया तो वहाँ की राजधानी भी ज़रूर घूमी। तो जैसे मिज़ोरम गया, वहाँ की राजधानी आइजोल, तो मैं आइजोल गया। और आइजोल कहाँ पड़ता है? मिज़ोरम में पड़ता है। तो ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आप लोग करेंगे तो फिर आपको ज़रूर राजधानियाँ याद हो जाएंगी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, लेकिन प्रस्तावित है अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। बिहार की पटना। और लास्ट में असम की राजधानी है दिसपुर। तो यहाँ पर आप लोगों ने 28 राज्य भारत के देखे, पहले 29 थे, लेकिन क्या हुआ, नोट करके यहाँ पे हमने पॉइंट लिख दिया है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया। ठीक, और इनको यूटी का दर्जा दे दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। तो इसलिए जो जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख एक अलग, ये आपको याद होना चाहिए। अब एक और बात आती है 26 जनवरी 2020 को, इसमें क्या होता है, पहले क्या था कि दादरा एवं नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, एक ही कर दिया गया। तो दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, जिसकी राजधानी दमन है। तो इस प्रकार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में निकल कर सामने आते हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, सबसे सरल। और अभी हमने जो आपको बताया कि दादरा और नगर हवेली 2020 में जो एक किए गए थे, उसकी राजधानी क्या है? दमन। और लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। ठीक, और जम्मू कश्मीर की राजधानी, देखिए ग्रीष्म में क्या श्रीनगर हो जाती है और जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर आप लोग याद रखिएगा। तो लक्षद्वीप की कावरती हो गई, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर हो गई, पुदुचेरी की पांडिचेरी और लद्दाख की लेह। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, मतलब अभी 2023 तक अभी तो हैं फिलहाल। ठीक, आगे की बात है। अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, ये है। अब हम मैप के जरिए देखते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। आई होप ये आपको समझने में ज़्यादा मददगार होगा। ठीक,
ठीक। और जो नए व्यूवर्स हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये देखिए ये क्या है, लद्दाख है ठीक। और लद्दाख, ये लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी आपकी यहाँ पे लेह दिख रही है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ ठीक है। तो ये हो गया आपका लद्दाख। और लद्दाख का जो ये एरिया आप देख रहे हैं ना, यह अफ़गानिस्तान से टच करता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अफ़गानिस्तान से हमारा सबसे कम हिस्सा टच करता है, वो भी लद्दाख साइड। और ये पाकिस्तान से इधर कौन सा हिस्सा टच करता है, तो यहाँ से आप दो मतलब कई चीज़ें यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारे जो स्टेट हैं उनसे कौन से देश अपनी सीमा को साझा करते हैं ठीक। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से भी टच कर रहा है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर यहाँ पे आपको दिख रही है, और जो शीतकालीन राजधानी है जम्मू वो भी आपको दिख रही है, और जम्मू कश्मीर ये है। तो ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया ठीक। पहले हम स्टेट देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सीमा साझा करने वाला सिस्टम। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी है। पंजाब, और यहाँ पर आपको चंडीगढ़ दिख रहा है ठीक। देहरादून, एक मिनट मैं कलर यही सही था। यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, और उत्तराखंड की राजधानी हो गई देहरादून। इसके बाद पंजाब के थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हरियाणा पड़ेगा, और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, और दिल्ली की नई दिल्ली, ये आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करता हुआ। इसके बाद ये पिंक में क्या है भाई, राजस्थान ठीक, राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी जयपुर। और यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है ठीक। ये क्या है आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया पूरा, और राजधानी लखनऊ। और ये एक नेपाल देश है जो उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से भी करता है, बिहार से भी करता है। इसके बाद राजस्थान की बात हो गई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये स्टेट आपका गुजरात है ये जो आपको दिख रहा है ठीक। और ये जो आपका बना हुआ है ये है मध्य प्रदेश MP ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और ये है बिहार, अपना बिहार ठीक। और ये बिहार हो गया, बिहार की राजधानी पटना हो गया। अपना तो क्या, अपना तो पूरा भारत ही है। उसके नीचे आप देखेंगे झारखंड है, और झारखंड की राजधानी यहाँ रांची हो गई। फिर इधर मध्य प्रदेश से जो हिस्सा काट के अलग किया गया वो छत्तीसगढ़ ठीक, उसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। और यहाँ बिहार से झारखंड बना, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। तो ये ऊपर वाले आपको क्लियर हो गए। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ है रायपुर, और यहाँ आपको उड़ीसा दिखेगा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और ये देखिए ये जो वेस्ट बंगाल है ना, ये पूरा यहाँ सिक्किम तक, ये सिक्किम तक पूरा फैला हुआ है। यहाँ भूटान को भी टच करता है, असम को भी टच करता है, बांग्लादेश को भी टच करता है ये वेस्ट बंगाल पूरा। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता हो गई ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब पढ़ लिया। अब हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे, मैप को बड़ा कर लेंगे जिससे समझने में आसानी हो। तो ये है सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक। और सिक्किम जो है वो भूटान देश से अपनी सीमा साझा करता है ना ईस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पूरा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के जब नीचे आएंगे तो इम्फाल पड़े, वो सॉरी मणिपुर पड़ेगा जिसकी राजधानी इम्फाल है। उसके बाद मिज़ोरम, मिज़ोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। और ये सारे जो यहाँ पर स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है ना, और ये मणिपुर हो गया, मिज़ोरम, ये सब म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं क्योंकि यहाँ पर म्यांमार देश है। इसके बाद ये जो येल्लो में आपको दिख रहा है पूरा असम है, इसकी राजधानी दिशपुर है। और ये बांग्लादेश से जो घिरा हुआ है ठीक, घिरा क्या पूरी तरीके से नहीं है, असम से भी घिरा हुआ है, तो ये मेघालय है जिसकी राजधानी शिलोंग। और ये त्रिपुरा पूरी तरीके से तीनों ओर से बांग्लादेश से अगर घिरा हुआ जो हमारा स्टेट है वो है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। और ये आप वायलेट कलर में आप देख सकते हैं त्रिपुरा, सॉरी त्रिपुरा है। और ये म्यांमार, तो ये नॉर्थ ईस्ट के हो गए और नॉर्थ के भी स्टेट हो गए। अब हम चलते हैं साउथ पार्ट की तरफ, वहाँ पर देखते हैं। तो गुजरात तक हो गया था, और छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा भी हो गया था ठीक। तो मध्य प्रदेश हो गया था। इसके बाद केंद्र साथ ही इसमें आप लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश भी देख लेंगे। तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव यहाँ पर है, उसकी ये दमन है यहाँ पे ठीक। घूमने जाइए, बढ़िया जगह है, गया नहीं हूँ लेकिन यूट्यूब पे देखा हूँ, मित्र हमारे गए हुए थे, उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया था दमन के बारे में। तो काफ़ी बढ़िया प्लेस है, जा सकते हैं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये पूरा यहाँ से देख सकते हैं महाराष्ट्र है ठीक। और छत्तीसगढ़ आप लोग पढ़ चुके हैं, उड़ीसा भी यहाँ पे हो चुका है, छत्तीसगढ़ भी हो चुका है। इसके बाद ये तेलंगाना है, ये ना ये आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, और इसकी राजधानी हैदराबाद है।
और ये जो अमरावती प्रस्तावित है आंध्र प्रदेश की राजधानी, ये आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पूरा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है, ठीक। और ये पुदुचेरी हो गया आपका, यहाँ पे यमन और पणजी गोवा, यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा स्टेट है। उसके बाद ये कर्नाटक है जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ पे ये कर्नाटक आपने देखा। और नीचे चलते हैं तो कर्नाटक हो गया और यहाँ माहे है, ठीक, पुदुचेरी, और यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ पे द्वीप है लक्षद्वीप, ये कावर्ती, और ये केरल की राजधानी यहाँ तिरुवनंतपुरम, ये तमिलनाडु है आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे चेन्नई पड़ती है, चेन्नई पड़ता है, और ये पाक जल संधि है ना, और ये श्रीलंका आप लोगों ने देखा, और नीचे इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर आप लोग ने देख लिया, और यहाँ बे ऑफ बंगाल भी है, ठीक। तो मैप के जरिए आप लोगों ने भारत के स्टेट और यूटीज को ऑब्जर्व भी कर लिया और समझ भी लिया, ठीक। अगर ये देखें कि अफ़गानिस्तान से हमारे कितने स्टेट या यूटीज, स्टेट तो भाई कोई नहीं सीमा साझा करता, तो लद्दाख ये जो अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और ये गुजरात हो गया, ठीक, समझ गए ना, गुजरात से भी पाकिस्तान की सीमा साझा होती है। इसके बाद चाइना से देखें तो चाइना अपना अधिकार बताता है, तो उसी हिसाब से इधर से लद्दाख हो गया और हिमाचल प्रदेश है ना, उत्तराखंड, और इधर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। नेपाल से देखेंगे तो नेपाल इधर उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और सिक्किम से, ठीक, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी। तो 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है नेपाल। भूटान की बात करें तो भूटान इधर पूरब की तरफ अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम और असम और पश्चिम बंगाल से भूटान भी सीमा साझा करता है, समझ गए, ये हो गया। और म्यांमार की बात हम लोगों ने कर ली थी। देखिए बांग्लादेश जो है ना, वो वेस्ट बंगाल हो गया आपका, वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, असम से करता है, मेघालय से सीमा साझा करता है, त्रिपुरा से करता है, ठीक। तो इतने राज्यों से सीमा साझा करता है, और साथ ही म्यांमार का भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो म्यांमार इधर हो गया पड़ोसी देश, और चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इधर श्रीलंका, ये जलीय सीमा साझा करता है। तो आप लोगों ने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया देखा, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। विद मैप हम लोगों ने पढ़ा है, समझने की कोशिश करी है, तो क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, तो इसके लिए आप अगर आप मैप अच्छे से ऑब्जर्व करे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी दूसरी क्लास थी जनरल अवेयरनेस की, सामान्य जागरूकता की, UP SSSC PET 2023 एग्जामिनेशन के तहत पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड क्लास पे आएंगे, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसकी बात करेंगे, ठीक। तो फिलहाल वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक स्वस्थ रहिए।